Hello children, I am Sushma Tripathi and today I am going to teach you English Bal Bharati Standard 2 Unit 1 1.9 Writing Skills. बच्चों, अब हम first standard से second standard में आ गए हैं, तो हमने कुछ words सीखे हैं. अब उन words को कैसे sentence में frame करना है, वो इस lesson में हम सीखेंगे. Children, इस lesson में हमें picture composition के बारे में बताया गया है. पिक्चर कंपोजिशन, हम पिक्चर को देखकर उसे डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं. उस पिक्चर को ऑब्जर्व किया जाता है और फिर पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है उसे हम सेंटेंस बनाकर लिखना स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज अ पिक्चर कंपोजिशन? डिस्क्राइबिंग अ पिक्चर विथ मीनिंगफुल सेंटेंसेस. समझ में आया बच्चों कि किसी भी चित्र को कैसे डिस्क्राइब करना है और सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, वो इस लेसन में हम सीखेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे. इस पिक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है वो देखो आप पहले. देयर इज अ बिग गार्डन. मैनी चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन. आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा गार्डन है और बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं. सम चिल्ड्रेन आर प्लेइंग हाइड एंड सीक. तो बच्चों ध्यान से देखो, वहां पर कुछ बच्चे हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हैं. देयर आर मैनी ट्रीज इन द गार्डन. और गार्डन में देखो बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं. 1, 2, 3, 4, मोर देन वन है तो हम मैनी वर्ड्स यूज कर सकते हैं. देयर आर मैनी ट्रीज इन द गार्डन. There are birds sitting on the tree. और देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कुछ birds दिखाई दे रहे हैं, तो हम एक sentence ये भी लिख सकते हैं कि there are birds sitting on the tree. समझ में आया बच्चों? इसे हम कहते हैं picture composition. किसी भी picture को देखकर लिखना, उसके बारे में लिखना composition की तरह. composition तो मालूम है आपको, essay. लेकिन ऐसे अलग होता है और पिक्चर कंपोजिशन अलग होता है. आपको सपोर्ट के लिए पिक्चर दिया जाता है, तो आप पिक्चर देखकर आसानी से लिख सकते हो. तो चलो बच्चों, आगे हमें क्वेश्चन दिया गया है. डिस्क्राइब द पिक्चर. यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिया हुआ है, उसे हमें डिस्क्राइब करना है. तो इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक खेत दिखाई दे रहा है, फार्म दिखाई दे रहा है, फार्मर है, फार्मर के साथ उसकी डॉटर है, एक वुमेन दिखाई दे रही है, बुल है, गोट्स हैं और एक फार्म है. तो हम इसे सेंटेंस में कैसे फ्रेम करेंगे? दो लाइन यहाँ पे आपको दी हुई है. भावराव इज अ फार्मर, ही हैज अ स्मॉल फार्म. अब आगे आप क्या लिख सकते हो? ही हैज टू गोट्स एंड अ बुल. हिज वाइफ, आप वाइफ का नाम लिख सकते हो अपने मन से, जो भी आपको पसंद आए. तो मैंने यहाँ पे राधा लिख दिया है. हिज वाइफ राधा एंड हिज डॉटर ऑलवेज हेल्प हिम इन हिज फार्मिंग. हिज डॉटर इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड एंड फीडिंग अ गोट. हिज वाइफ इज बिजी इन वर्क. तो बच्चों ये हमारा पिक्चर कंपोजिशन पूरा हो गया. ऐसे ही हम दूसरे पिक्चर्स को देखकर पिक्चर कंपोजिशन लिख सकते हैं. तो बच्चों समझ में आया लेसन? थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन.